धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने बिजली की समस्या को लेकर बिजली के अधिकारियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। धनबाद में बिजली की समस्या के निदान नहीं हुआ तो राज सिन्हा धरना देंगे। वही अधिकारी टीवीसी प्लांट की समस्या आने को लेकर जल्दी ठीक होने का दावा कर रहे हैं। बिजली की 5 दिन से जो स्थिति है, पूरा पूरा शहर जो है वो त्राहि त्राहि कर रहा है। और इसलिए मैंने कहा भी है कि सरकार की यहाँ के लोगों के मूलभूत सुविधाओं पर और उसके लिए आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने पर कोई ध्यान नहीं है। और सीधे सीधे हम एक बात और कह सकते हैं कि यह बिल्कुल सरकार जो है वो चिन्हित करके, जहाँ जहाँ बीजेपी के लोग हैं, जहाँ लोग बीजेपी को ज़्यादा वोट देते हैं, वहाँ यह सरकार लोगों को बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और आज 5 दिन से इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को बिजली नहीं मिल रही। और कल हमने सेक्रेटरी से ही बात किया, आज जीएम साहब से बात हुई है, जीएम ने भी आश्वस्त किया है कि आज शाम के बाद से बिजली की स्थिति सुधर जाएगी। जो मैंने फिर यहाँ पर हमारे साथ बहुत से कस्टमर जो हैं मोहल्ले से, रात में हमको 1:30 बजे 2 बजे फ़ोन करते थे, उन लोगों को हमने बुलाया, आइए आप चलिए मेरे साथ। और इन लोगों ने भी बात किया, ये सारे लोग अच्छे से मैंने एकदम अप टू डेट बिजली बिल भी पे करते हैं, और ये क्यों सफ़र करें। फिर ये हुआ कि भाई आपके एई जेई जितने लोग हैं, अफसर हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, जो कर्मचारी एक आध उठाते भी हैं वो दुर्व्यवहार करते हैं, उस पर जीएम ने संज्ञान लेने की बात कही है। फिर एक और ये हुआ कि आप सब स्टेशन चालू कीजिए जल्दी से जल्दी और उससे लोड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी हाउसिंग कॉलोनी में सब स्टेशन तैयार हो गया है, 1 महीने के अंदर चालू करेंगे उसको। खास करके पॉलिटेक्निक फीडर से काफ़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के बाद इन्होंने कहा है। और यह भी आश्वस्त किया है कि हम बात करेंगे कि कम से कम एक नेशनल ग्रिड से भी इनका लोड बिजली इनको और बढ़ाया जाए, जिससे डीवीसी में कहीं प्रॉब्लम होता है तो उससे यह बिजली सप्लाई कर सके। तो आज शाम तक हम देखते हैं, नहीं फिर 48 घंटे के अंदर बिजली सुधरेगी, इनकी स्थिति अगर रवैया वही रहा तो फिर आगे हम लोग आंदोलन और करेंगे। विगत 2 दिनों से समस्या कुछ बढ़ी हुई थी, कारण था कि डीवीसी का 4 प्लांट जो है एकाएक शटडाउन हो गया था, जिसके कारण वहाँ से आपूर्ति में बाधा हो रही थी और 24 घंटे में 10 घंटे 11 घंटे वहाँ से लोड शेडिंग हो रही थी। कल उनका एक प्लांट चालू हुआ है, कल से कुछ बिजली की सप्लाई हम लोग को बढ़ी है और रात से वो शेडिंग उन्होंने बंद किया है। अभी तो बिजली सामान्य है, उम्मीद है कि रात में सामान्य रहेगी और बिजली डीवीसी की ओर से सामान्य रहने पर आप हम लोग के यहाँ डाउन द लेवल नीचे सप्लाई देने में कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग को धनबाद ज़िले में 260 से 270 मेगावाट की आपूर्ति चाहिए। तो हम लोग को लगभग जब डीवीसी का प्लांट बंद हो गया था तो आप मान सकते हैं कि 150 के आसपास की सप्लाई हो रही थी, बाकी की सीट से वो हम लोग संज्ञान में ले लिए। हम लोग देखते हैं उसको टू डेट हम लोग ले करके, परसों बिला है, कल हम लोग जमा कर दिए, उसके बाद भी रात को 2-2 बजे तक लाइन नहीं रहता है, लाइन धरने को अक्सर लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, कोई अगर स्टाफ गलती से फ़ोन उठा लिया तो डांटता है कि लाइन नहीं है तो क्या हुआ। पर क्या हुआ क्या भाई, हम लोग बिजली पेमेंट करते हैं, तुमको पूछ नहीं सकते इतना अधिकार? हमको ये अधिकार भी नहीं है, पूछे नहीं, तुम एक सरकारी मुलाजिम है ना, 5 दिन हो गया, व्यवहार ठीक नहीं है उन लोग का। 67-68 साल उम्र है, हम लोग रात को 2 बजे लाठी लेके दौड़ेंगे, वो हम लोग क्षमता नहीं है, चाहते कि हम लोग बिजली मिले, पैसा ले सही मिले और कहा, और हम लोग कोई समस्या नहीं है। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, 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 धरती दगन में गूंज रहा है, जय माता दी, जय माता दी, पर्व
आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।